मैं संजय हूं और मेरी कहानी हिंदुस्तान के एक आम शहरी यानी साधारण नागरिक की कमजोरियों और ताकत की कहानी है। मैं दूध में नहाया हुआ देवता नहीं, इंसान हूं। आप और शायद आपकी भी तरह हिंदुस्तान में फैले हुए भ्रष्टाचार का मैं भी एक गंदा हिस्सा हूं। मैं खुद गर्ज भी हूं और मेरी वफादारी मेरे परिवार तक महदूद या सीमित है। रिश्वत को आज की जरूरत समझता हूं, इसलिए रिश्वत देते समय हिचकिचाता नहीं, रिश्वत लेते समय घबराता नहीं। ये सब मेरी कमजोरियां हैं, लेकिन कोई यह ना भूले कि मेरे अंदर देश प्रेम मानो सर्दी में गर्म लिहाफ ओढ़े गहरी नींद सो रहा है, जो एक दिन ज्वालामुखी बनकर जागेगा, फूटेगा। क्योंकि जब जब सवाल आएगा मुल्क का, तब तब मैं अपने खूने दिल से लिख दूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जेंटलमैन, हर मीटिंग की तरह इस मीटिंग में भी चीफ की कुर्सी खाली है। वो जो भी है, जहां भी है, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब मैं इस साल की रिपोर्ट पेश करता हूं। 50 सांप्रदायिक दंगे, कश्मीर से लेकर बंबई तक करीब 1,00,000 गैर कानूनी हथियारों की बिक्री, 30 बॉम्ब ब्लास्ट। हम बहुत खुश हैं कि गद्दारों की इस महफिल को अपने कारनामों पर प्राउड है। हमें भारत की हर बर्बादी का जश्न बनाना चाहिए। नॉट येट, वी आर नॉट येट सक्सीडेड विद आवर एम। इंडिया मस्ट ब्रेक अप, हिंदुस्तान को टुकड़े होना। लेकिन अफसोस, हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भारत एशिया का सबसे अहम मुल्क है। क्यों मिस्टर जॉन द ग्रेट? इंडिया की तरक्की का मतलब एशिया और अफ्रीका की तरक्की और अमन। ये हमको और हमारे फॉरेन फ्रेंड्स को बिल्कुल मंजूर नहीं। या वी वांट वॉर। हमारे विदेशी दोस्तों के मिसाइल, रॉकेट, बम सिर्फ जंग के दौरान ही बिक सकते हैं। इसीलिए हमने इस शहर को, जो हिंदुस्तान का दिल है, दागदार कर दिया है। लेकिन जेंटलमैन, बड़ा अफसोस का बात है कि बंबई शहर का दिल का धड़कन फिर से नॉर्मल हो गया है। इससे हमारे लिए खतरा बढ़ गया है। हम दिन ब दिन बेनकाब होते जा रहे हैं। इस लीकेज का जिम्मेदार कौन है? हम, सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। पहाड़ी में सुरंग लगाने वाले दूर से आग लगाकर भाग जाते हैं, वो इडियट का माफी बारूद के पास नहीं खड़े रहते। इसलिए फैसला किया गया है कि हम अपना हेडक्वार्टर बॉम्बे से किसी दूसरा सेफ सिटी में शिफ्ट कर दें। व्हाट अबाउट मद्रास? नो, इट्स टू बिग अ सिटी टू कंट्रोल। भोपाल? भोपाल लैंडलॉक्ड सिटी है। यस सर। जेंटलमैन, चीफ का फैसला है कि हमारा नया हेडक्वार्टर दिलगिरी हिल्स होगा और इस नए शहर को हम हर तरह के काले धंधे से पाक रखेंगे। यहां से हम सिर्फ भारत की बर्बादी का बीज ले जाकर सारे भारत में बोएंगे। जय दिलगिरी हिल्स। कॉलेज का लड़का है। इसकी सांस तो नहीं आ रही, लेकिन दिल धड़क रहा है। अगर मैं इसे ऑटोमेट रेस्पिरेशन दे दूं, तो ये बच जाएगा।
क्या कर रही हो मैम साहब? कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, वो भी बड़े भाई के सामने। अच्छा तो तुम दोनों जिंदा हो? अजी मरे हुए ही बेहतर थे। शराब, आप लोग नाटक कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हम नाटक नहीं कर रहे थे, हम तो सांस रोकने का योगा अभ्यास कर रहे थे। यू नो सांस रोकना हम हर रोज करते हैं। आपने आकर अपने प्यारे होठों से हमारा योगा अभ्यास भंग कर दिया। एहसान फरामोश, इडियट। एक मिनट मेम साहब, मुझे किसी का एहसान रखने की आदत नहीं, इसलिए आपकी सांसें लौटाकर आपका एहसान चुका देता हूं। शायद तुम जानते नहीं कि मैं एसपी पुलिस की बेटी हूं। अब जान गया हूं, मगर आप नहीं जानती कि मैं कौन हूं। कौन हो तुम? आप चाहें तो सब कुछ और न चाहें तो कुछ भी नहीं। आदाब रमजान मियां, आदाब। आदाब। ये लीजिए आपके 12 अंडे। सिर्फ 12? हाँ, एक दर्जन में 12 ही अंडे होते हैं, समझे? 13। 12। 13। 12। 13। मेरा नहीं, मुर्गी के अंडे 12 ही होते हैं। मजाक कर रहे हैं? हाँ, हैं? मालिक, अरे ओ मालिक, क्या हुआ? ये बोल रहा है कि एक दर्जन में सिर्फ 12 अंडे होते हैं, समझाओ इसे। अच्छा, अंडे का दर्जन 12 ही होता है? अब ये बता कि कद्दू बड़ा होता है कि अंडा बड़ा होता है? कद्दू बड़ा होता है साहब। तो कद्दू का दर्जन भी 12 और ये छोटे अंडे का भी 12 है? क्या होता है, हर चीज का साइज के हिसाब से दर्जन होता है। अंडे का 13 होता है, एक ले ले। ले ले। लेकिन 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 कुछ नहीं, रिटायर्ड हवालदार हूँ, समझा ना? मुर्गी से अंडे चुराने के जुर्म में अंदर कर दूंगा? नहीं नहीं नहीं, बिन मुर्गे वाले मुर्गी के हरामी अंडे चुराता है, हरामी कहीं का। चल निकल, एक और ले ले, निकल। अंडे अंडे अंडे। मेरा दर्जन 14 अंडे का होता है, समझे? भूलना नहीं बॉस, याद। माल है बाप का दर्जन 13 का, इसका 14 का, जैसा बाप वैसा बेटा। ये भी आ गया, समझ गया। ले लो साहब। 2 अंडे ज्यादा, 2 रुपए ज्यादा। शुक्रिया बाय। राजू, अरे ओ राजू। ओहो, किधर चला गया? अरे रमजान, राजू कहाँ गया? बीबी जी बाहर कहीं खेल रहा होगा। ओहो, मैंने उसके लिए खीर बनाई है और वो बाहर खेल रहा है। अच्छा देख, तू जरा खीर का ध्यान रखना। मेरा मुन्ना खीर खाएगा। अरे ये कौन खा गया? दादा ने ही मेरी खीर खाई होगी, उस दिन मेरे चॉकलेट भी खा गए थे। अबे तेरी खीर बिल्ली खा के गई, इल्जाम लगाता है झूठा। और ये क्या है? ये चाय पी थी ना, उसकी मलाई लगी होगी। चाय की मलाई में चावल का दाना, ये खीर बिल्ली ने नहीं बिल्ले ने खाई है। मैं डरता हूँ कि दादा मुझे नहीं खा जाए। अरे जा रे जा। चलो दादा पैसे निकालो। काय के पैसे रे? खीर का पैसा। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्यों, जा जा। अरे तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे, मैं कहती हूँ देने ही पड़ेंगे। नहीं देते हो, मैं निकालती हूँ। अरे छोड़ो। अरे कैसे नहीं दोगे? दो चोट लग गई होगी, जरा मालिश करके दूँ। वो क्या करते हो, छोड़ो भी। कैसे बताऊँ, बीते दिनों की याद सताती है। अब मैं काम पे जा रहा था। तो जाइए ना। मैं गया। गए? मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पहुंच गए? लेकिन एक चीज भूल गया, इसलिए वापस आ गया। क्यों? एक पप्पी। We'll be right back.
बचपन। मालिक मालिक एक मूली मुझे भी दो ना मालिक। मूली तुझे क्यों? मूली तो इंसान लोग खाते हैं। तो मैं कौन हूँ? मुझे क्या मालूम तू क्या है। लेकिन मालिक मैं तो चोरी करके लाया हूँ खेतों से मूली काकड़ी और खीरा आपके लिए। हाँ मैं एक रिटायर्ड हवालदार हूँ, मैं क्या खेतों में घुस के गाजर मूली के लिए डकैती करूंगा? सारी दुनिया जानती है कि गंदा काम हमेशा तू ही मेरे लिए करता है, बदमाश साला। सारे गंदे काम तुम्हें ने सिखाए और मैं करता हूँ तुम्हारे लिए बिना पगार के। चलो आज से तुम मेरे मालिक नहीं रहे, मैं जा रहा हूँ काम छोड़कर, निकालो मेरी पगार। वाह यार क्या दिन थे जब मैं वर्दी पहन के निकलता था, हिंदू नारियां मुझे नमस्ते करती थी, मुसलमान औरत सलाम अलैकुम मियां, क्रिश्चियन लड़कियां बोलती गुड मॉर्निंग हवालदार। यार मुफ्त में खाना ना साला तनखा अलग, कोई भी होटल में जाओ खाना खाओ डंडा दिखाओ और बाहर निकल जाओ, पान बीड़ी सिगरेट सब मुफ्त में। क्या रमजान मियां तुम हवालदार बनना नहीं चाहते क्या? जरूर बनूंगा मैं हवालदार, जरूर बनूंगा मालिक। रुका 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 बहुत जल्दी में हो, यहाँ नजर नहीं आता, हर वक्त हरियाली नजर आती है, सिग्नल तोड़ते हो। अरे माफ करना हवालदार साहब मैं जरा जल्दी में था। तो जल्दी से लाइसेंस निकालो। ओहो लाइसेंस तो सर नहीं है फिलहाल, आप चलाओ जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने जुर्म किया तो आपने 20 रुपए लिए, अब आपने जुर्म किया तो मुझे 50 रुपए दीजिए। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा भाई भी पुलिस में है और आप जैसे बिन फीते वाला नहीं, बाकायदा 3 फीते वाला है, बहुत ईमानदार है। आप जैसे 4 को पहले ही सस्पेंड कर चुका है। फटाफट 50 रुपया लाओ, 50 जल्दी करो। उठो लोगों ने एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर फर्स्ट प्राइज क्या ले लिया, जैसे कि हिमालय फतेह कर लिया। अरे अरे क्या बोले क्या बोले क्या बोले, अरे लड़कियां पहाड़ पर चढ़ना क्या जाने, इनको तो सिर्फ चूड़िया खनखनाने और खाना पकाने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। पहाड़ पर तो चूहे भी चढ़ जाते हैं, लेकिन आपके पहाड़ पर चढ़ने से दुनिया को क्या फायदा? देखो मुझे खाने की हकीकत से इनकार नहीं, अरे बड़ा आसान काम है यार, घर घर में पकते रहता है। तो फिर आप कुकिंग में पहला इनाम लेकर दिखाइए ना। लग गई शर्त? लगी। बंद हो जाओ। शोर क्यों हो रहा है? उठो प्यारे। शट अप, शट अप। लाइफ बन जाएगी। देखो कितना पसीना आ गया है, 1 अनार और 100 बीमार। घबरा गया बेचारा, चोट तो नहीं लगी कहीं? उंगलियां तो नहीं जली? उंगलियां तो नहीं जली प्यारे, कैसे अच्छे हैं तुम्हारे नजारे। शट अप। दादा मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत भूख लगी है, चाचा कब खाना लाएंगे? बेटा तेरा चाचा किताबें पढ़कर खाना पका रहा है, जैसे पढ़ता जाएगा वैसे पकता जाएगा। गरम गरम खाना
गरम गरम खाना आप भी लीजिए, रोटियां भी लाया, रोटियां 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 रोटियां। खाओ बेटा खाओ, गरम गरम रोटी लीजिए, आप भी लीजिए। ये रोटी है क्या? ये तो जल गई है। जल गई है? कहाँ जल गई है? नहीं जली हुई नहीं है बेटे, वो आटा काला था। मैं जानता हूँ कि खाना थोड़ा सा खराब बना है, मगर अगर किसी को पसंद आया तो अपना हाथ ऊपर कर दे। हाँ थैंक यू भाभी। सज्जनों, हिम्मत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ताजा समाचारों के अनुसार मुझे यह पता चला है कि खाना खाने के लायक नहीं है, इसलिए मैं आप सबको खाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। बोलिए क्या खाएंगे, चाइनीज या इंडियन? चाइनीज। हाँ इंडियन। इंडियन इंडियन। सर जी मैं भी चाइनीज खाने चलूं? चले हाथ नीचे कर, तुझे वोटिंग राइट्स नहीं है, तुझे यही खाना खाना है, समझा? इंडियन। चलो चाइनीज। चिकन चा चाओ, चिकन मा माओ, ये चाइनीज नाम भी कितने अजीब है। बड़े भाई का। अरे भाई बिल लाओ, बिल लाओ। अरे भाई बिल तो देने दो, ये लो। अरे टिप तो दिया नहीं, रख देते हैं। इस संजय अगर इसी तरह जला हुआ खाना बनाता रहा ना तो मेरी पूरी तनख्वाह तो चाइनीज खाने में चली जाएगी। माँ शरारती हो गए हो। अरे मेरा टिप चोरी करके ले गया। मेरा ये बेटा मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। वाह। क्या हुआ, क्या हुआ प्यारे? तुम सब लड़कियों ने मिलकर इन्हें सताया। मेरा नाम भी फौलाद सिंह है, एक एक को देख लूंगा। बहुत दिल लगी करती हो। सर इनसे दिल लगी तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। शट अप शट अप शट अप। देखो मैं तुम्हें प्याज काटने की तरकीब सिखाता हूँ। ये देखो प्याज की तेजी को कम करने के लिए प्याज को पानी में डाल के काटा जाता है। लो काटो। हाय रे तुम प्याज क्या दिल पे भी छुरी खूब चलाते हो। मेरा अंगूठा काट दिया। मैंने जानबूझकर तुम्हारा अंगूठा काटा है। अभी तो अंगूठा कटा है, अभी तो सारा शरीर बाकी है। जाना है। ए कार वाली, जावेद की जीप को पीछे जाने की आदत नहीं समझी? तू अपनी कार खटाना पीछे ले चल। अगर तुम्हारा रिवर्स गियर टूट गया है तो मैकेनिक के पास जाओ, गाड़ी के साथ साथ तुम्हारे दिमाग का भी इलाज कर देगा। मैं म्युनिसिपल चेयरमैन का बेटा हूँ, रास्ते का कचरा किस तरह हटा जाता है हम अच्छी तरह जानते हैं। और मैं एसपी की बेटी हूँ, लॉकअप में बंद करवा कर चाबी दरिया में फेंक दूंगी। और मैं रिटायर्ड हवलदार का बेटा, अगर आप दोनों रास्ता छोड़ दें तो मैं बेचारा वक्त का मारा कॉलेज टाइम पर पहुंच जाऊंगा। कॉलेज तो मुझे भी जाना है, लेकिन ये जीप वाला मेरी साइकिल का डंडा हाजिर है मैम साहब, आप चाहे तो। व्हाई नॉट, ये साइकिल हमेशा याद रखेगी कि कभी मैं इस पर बैठी थी। अरे अरे वेरी गुड। ए रुक, ए मैम साहब अपनी गाड़ी हटाओ वरना। धमकी देता है देखो। धमकी देता है वो भी एसपी की बेटी को? और तुम यूं ही खड़े सुन रहे हो? तो मैं क्या करूं? मर्द हो, मर्दानगी दिखाओ। मैं बेचारी भारतीय नारी संकट की मारी। बस हंसा। ये झगड़ा तो आप दोनों का है, इस बीच में मैं बेचारा। अरे ये समाधार के बेटे की मुझसे टक्कर लेने की औकात कहाँ? अगर इस रिटायर्ड हवलदार के बेटे ने तुम्हें इस रेखा के पार खींच लिया तो तुम अपनी गाड़ी पीछे हटाओगे, और अगर मैं जीत गया
तो ये दुपट्टा आप मुझे देंगे। Oh।
क्या? क्या राजू आ जाएगा इस छोटे से घर में, कभी भी अकेले से दुकेले होने का मौका ही नहीं मिलता। छोड़ो ना भाभी जी। भाभी जी क्या है? भाभी जी वो छोटे मालिक की वो आ गई है। एक दो तीन चार जुए के अड्डे, एक दो तीन चार। क्या बोला है? क्या बोला? क्या बोला है? ए? क्या बोला? वो छोटे मालिक के साथ वो। क्या छोटे मालिक के साथ वो? वो 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 क्या आई है? आई है? भाभी भैया ये साक्षी है। साक्षी भाभी भैया। हाय हेलो नमस्ते। ओह गॉड। बाप रे बाप। क्या? मेरे बाप। अच्छा क्या? नमस्ते करो। हेलो। अरे राजू यही साक्षी है तुम्हारी होने वाली चाची। किसके कपड़े तो देखो बिल्कुल फिरंगन लगती है। तुम्हारे बाप रे बाप क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं, तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। बाबा ये हमारे एसपी की बेटी है। एसपी की बेटी है? वाह वाह क्या कपड़े हैं। वाह बहू तुम भी ऐसे छोटे छोटे नन्ने मुन्ने बारीक बारीक कपड़े पहनो। वाह वाह वाह। सर जी एसपी की लड़की है ना। सर जी मेरी नौकरी की बात कीजिए ना। मैं पहले मेरे घर का चिराग जलाऊं या तेरे दिए में तेल डालूं? पहले तो मैं प्रताप के प्रमोशन की बात करूंगा। चल भाग इधर से। रमजान मियां फ्रिज में जो भी कुछ है सब कुछ लेकर आओ। आया मालिक, सब कुछ लाया मालिक, फटाफट आया मालिक। खूबसूरत है। ये क्या? अरे भाजी मूली क्यों लेकर आया तू? बाबा ये लीजिए। भाजी तरकारी क्यों लेकर आया? आप ही ने तो कहा था कि फ्रिज में जो भी पड़ा है सब कुछ लेके आना। कल बड़ी के भैंस। सबसे बड़ा हवलदार का टंडा होता है। भाग यहां से, भाग तू। अच्छी है। मैंने अपना वो दे दिया कि ये हमारी चाची होगी। होगी 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 होगी। ए तुझे वोटिंग अलाउड नहीं है। होगी। आई लव यू, यू लव मी। आई लव यू, यू लव मी। आई लव यू। हाँ तो कैसा लगा हमारा परिवार? राजू भैया और भाभी सबसे ज्यादा पसंद आए। और माँ? माँ माँ तो माँ होती है ना, और मेरे पास माँ नहीं है संजय। अब तो हो गई ना। बाबा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बाबा बड़े मजेदार इंसान लगे, बिल्कुल खट्टी मीठी चटनी की तरह। अरे बाबा तुमने तो परिवार का पूरा खाका ही खींच लिया। क्रिटिकल एनालिसिस टू द प्रिसाइज पॉइंट, यानी लक्ष्य पर। सुनो अपने डैडी से कहकर प्रताप भैया का प्रमोशन करवा दो। डैडी। हाँ बेटा। आप तो कहा करते थे कि इंसान मेहनत और ईमानदारी से तरक्की करके आसमान के तारे तोड़ सकता है। हाँ हाँ इसमें क्या शक है। तो फिर आपके डिपार्टमेंट का हवलदार प्रताप सिंह 10 साल से हवलदार क्यों है? बेटी तुम अगर मेरी इस फाइल को देखती तो ये सवाल ना करती। प्रमोशन? आपने प्रताप सिंह को पहले से ही प्रमोट कर दिया। संजय बहुत खुश होगा। और मैं संजय से मिलके बहुत खुश होऊंगा। संजय? कौन संजय? ओह गॉड। बेटी मैं CTSP हूँ, अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ अपनी प्यारी बिटिया की भी पूरी खबर रखता हूँ। देखो मैं स्पेशल ड्यूटी पर दिल्ली जा रहा हूँ, लौटने पर रिटायर्ड हवलदार रणवीर सिंह से जरूर मुलाकात करूंगा। कितनी खुश हूँ मेरा बेटा हवलदार से इंस्पेक्टर बना। भगवान तुझे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। बस माँ इसी तरह हमारे सर पर आपका आशीर्वाद बना रहे। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह आपकी तरक्की नहीं हम सबकी तरक्की है।
आज मैं बहुत खुश हूं भैया। असली खुशी तो तब होगी जब मेरा ये छोटा भाई आईएएस ऑफिसर बनेगा और मैं उसके ऑफिस में जाकर उसे सलूट करूंगा। जाओ बहू जी। शाम को जल्दी आइएगा। अरे मुन्ना आप कितने अच्छे लग रहे। आई लव यू। आई लव यू टू। प्रताप भैया अल्लाह से यही दुआ है कि आपको इसी तरह से आगे बढ़ाएं और मुझे भी हवलदार बना दें। हवलदार बनाओगे ना भैया? इंशाल्लाह। शुक्रिया। बेटे मैं आज बहुत खुश हूँ। पुलिस की नौकरी में एक ही लाजवाब पोस्ट होती है और वो है थानेदार की, और वो तुझे मिल गई। आज मैं तुझे टोपी पहनाऊंगा और ये सिखाऊंगा कि दुनिया को टोपी कैसे पहनाई जाती है। पुलिस की नौकरी में बेटे रिश्वत के कुछ नियम होते हैं। अगर चोरी का केस है तो माल आधा आधा करने का, अगर डकैती का केस है तो 3/3 माल लेने का, लेकिन अगर जबरदस्ती और बलात्कार है तो बहुत मजा आएगा बेटे, दोनों तरफ से माल मिलता है। लेकिन साली लाइफ तो तब बनती है जब खून का केस हाथ में आ जाए, दबा के पैसे लेना। लेकिन एक बात याद रखना बेटे, कभी भी शरीफ लोगों को तंग मत करना, क्योंकि वो तो बेचारे वैसे ही रिश्वत देते रहते, और इस पर अमल करना, समझा? जाओ फतेह करो, जाओ। बाप हो तो ऐसा। मॉडर्न पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। जुर्म को देखो उसे खत्म कर दो, मुजरिम को देखो उसे गिरफ्तार कर लो। अगर पुलिस चाहे तो एक भी अपराध नहीं हो सकता। जुआ, सट्टा, रिश्वत, ब्लैक मार्केटिंग, मटका, दारू, किसी प्रकार का भी अपराध मैं अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बात तुम लोग कान खोलकर सुन लो कि तुम लोगों के लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। मेरे इलाके में होने वाले तमाम अपराध 48 घंटों के अंदर अंदर खत्म हो जाने चाहिए। Yes! पकड़ लो इन सबको। हुजूर, आइए आइए, पधारिए इंस्पेक्टर साहब। आपके इंस्पेक्टर बनते हमारी सब तकलीफें दूर हो गई। ये लीजिए। ये क्या है? अगले हफ्ते का एडवांस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्वत देने की? मालिक, आपके पिताजी आकर आपका हफ्ता ले जाते थे, मगर ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप स्वयं आए हैं। पिताजी। बाबा, माँ, बाबा कहाँ हैं? क्या हुआ प्रताप? माँ, बाबा ने मेरे नाम की रिश्वत ली है। हाय राम। मुझे उनसे बात करनी है। बाबा। पापा, दादा ने मेरे लिए नई शर्ट लाई है, कितनी अच्छी है। हट। भैया 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 भैया, मेरे पुराने जूते फट गए थे, बाबा मेरे लिए नए जूते लाए। ये सब उसी रिश्वत के पैसों से। तू भी हट। बाबा। आ रहा हूं ना। बाबा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्यों बदनाम कर रहे हैं आप मुझे? आपने मेरे नाम की घूस ली है। अरे बदनाम तो तुम मुझे कर रहे हो झूठा इल्जाम लगाकर। बाबा, मुझे खुद दारू की भट्टी के मालिक ने बताया है। लो सुनो, दारू की भट्टी वाला सच्चा और सच्चा बाप झूठा। अरे मैं दारू की खुशबू भी ले लूं तो 40 दिन तक खटिया में बेहोश पड़ा रहूं। दादी, दादा के तके के नीचे से ये सब पैसे मिले। क्यों जी, इतने पैसे कहां से आए? अरे वो तो किसी ने मेरे बेटे की तरक्की की खुशी में मुझे भेंट दी है। रिश्वत दी है, रिश्वत। ए, रिश्वत वो होती है बेटे जो छीनी जाती है। ये तो ऊपर की आमदनी है, ऊपर से आती है। अरे रिश्वत तो टॉर्च की तरह होती है भैया, जिससे हम अपने जीवन का रास्ता तय करते हैं। जरा पीछे का गटर तो देखिए कितना सड़ा हुआ है। बाबा म्युनिसिपल वालों को 1000 रुपए रिश्वत दे रहे थे उसकी सफाई के लिए, मगर आपने रोक दिया और खुद फोन किया। क्या फायदा हुआ, गटर वैसे का वैसे ही सड़ा हुआ है। समझ गया। आप लोग भी एक बार समझ लीजिए, अगर इसी तरह इस घर में रिश्वत चलती रही तो आप लोगों की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि बाबा, जो नया डीएसपी आया है ना,
वो भी मेरी तरह ईमानदार और सख्त है। अरे जो ज्यादा ईमानदार दिखता है ना वही साला बेईमान होता है। सारे शराब खाने और जुए खाने वगैरह बंद कर दिए गए हैं। दिलगिरी हिल से जुर्म मिट चुका है। अब हम अपने जुर्म शुरू कर सकते हैं। हमारा लोकल अड्डा होटल हिलटॉप होगा। हम दिखावे के लिए होटल का धंधा करेंगे। हमारा लोकल पार्टनर यहाँ का म्युनिसिपल कमिश्नर रियाज अहमद होगा। मिस्टर रियाज, तुमको हमारा दोस्त डीएसपी चोगले ने हमारा लोकल पार्टनर की हैसियत से चुना है। बेईमानी की कसम, म्युनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से मुझे इस शहर में बड़ी इज्जत हासिल है। इज्जत? छी छी छी। हमें ये बताओ कि तुम जलील किस हद तक हो सकते हो, गद्दार कितने बड़े बन सकते हो। मैं सफेद ताजमहल पर कालिक पहुंच सकता हूं, मगर तुम्हारा मोह इनाम से भर दिया जाएगा मैन। लेकिन हमारा भी एक शर्त है, इस शहर में कोई गैर कानूनी कारोबार नहीं होना मांगता। ये शहर फूलों का बागीचा नजर आना मांगता है, फूलों का बागीचा। इंडिया का कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी शक नहीं करना मांगता। इस वक्त हम कुछ हथियारों से भरे ट्रक भेज रहे हैं, जिन्हें तुम सेफ गोदामों में रखवा दो। आज के बाद तुम जॉन का हुक्म फॉलो करोगे। और याद रहे, हमारा इस बात का खबर इस चार दीवारी के बाहर नहीं जाना मांगता। अरे आप चार दीवारी की बातें करते हैं, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। ए, चलो चलो जल्दी उतरो, जल्दी आओ। हाँ देखो तो। Hey, come on, boys and girls, come on. Come on. अरे जल्दी आना। देखो प्यारे कितने हसी हैं नजारे। कबाबे हड्डी, आप सब लोग सुनो, जो लड़के हैं वो उस कॉटेज में जाएंगे और लड़कियां इस कॉटेज में जाएंगी। एक मिनट, आप हम लोगों को एक दूसरे से अलग क्यों कर रहे हैं? अरे बाबा मैं कहां अलग कर रही हूँ, भगवान ने जब तुमको अलग अलग बनाया, तुमको लड़का बनाया इसको लड़की, और हम लोग यहाँ नेचर स्टडी के लिए आए, ना कि लव एरिया और फिल्म एरिया के लिए। गलत। लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे के लिए बने और हम यहाँ लव एरिया और फिल्म एरिया के लिए आए हैं। कम ऑन गाइस। जाने दो, you're beautiful. मुझे जाने दो प्लीज, वरना मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। प्लीज संजय।
पे आखिर ये कैसा हो गया, देखा तुमको तो मैं तुम ही में खो गया, जादू मुझ पे आखिर ये कैसा हो गया। धीरे से कानों में कह दो जरा, कब होगी मुझ पे नजरे करम। थक थक कर बन जाएगी। अरे भागो रे भागो, वरना लाइफ बर्बाद हो जाएगी, भागो। नंबर वन क्वालिटी के गन्स हैं, 1,00,000 रुपए पर पीस लूंगा। ए भाई, 50,000 से एक पैसा जाती नहीं। हाँ, पागल हो गया? जान जोखिम में डालकर अपने बाप के गोदाम से चुरा कर लाया हूँ। कहीं मेरे बाप को पता चल गया ना तो मुझे तो गोली मार देगा। अरे ये तो इसमें की बेटी है। अब पागल हो गया, बच के जाने ना पाए। बस शशि बस। इधर जा, तो इधर जा।
चलाओ चलाओ। अबे गधे, रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां होती है, समझे? बताइए बंदूकें तेरे पास कहां से आई? मेरे बाप के गोडाउन से। तेरे बाप के पास कहां से आई? जॉन, जॉन के पास से। मैंने तुम हमारा कारोबार के बारे में अपना बेटा जावेद को बताया और वो हरामजादा हमारा 3 AK-47 राइफल चुरा कर लोकल गुंडों को बेचना चाहा और पकड़ा गया। अब तुम्हारा जिंदगी हमारा और पुलिस का बीच में पुल का माफिक है और इस पुल को तो हम तोड़ देगा। ब्लडी बास्टर्ड, जॉन द ग्रेट से गद्दारी है। यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे मेरा कानूनी हक चाहिए, एक फोन करने की इजाजत। अरे शुक्र मानो कि जॉन द ग्रेट, तुम जैसे टटपूंजे से एक फोन करने की इजाजत मांग रहा है। अब मैंने तुम्हें खून करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और मेरी नजर में खूनी का हक सिर्फ फांसी होती है। इंस्पेक्टर प्रताप। मॉर्निंग सर। तुम कानून के रखवाले हो, खुद कानून नहीं, और कानून इस जैसे वैशी दरिंदे को भी एक फोन करने की इजाजत देता है। तुम फोन कर सकते हो। चीफ, तुम्हारा असली चेहरा मैं पहचानता हूं और मैं गिरफ्तार हो चुका हूं। अब मुझे छुड़ाना तुम्हारा काम है, वरना मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें बेनकाब कर दूंगा। राणा मुझे इसका अच्छा इनाम देगा। प्ले शो। Sorry. You bloody bastard!
इंस्पेक्टर प्रताप, जॉन द ग्रेट को गिरफ्तार करके जो पहली गलती तुमने की है उसे हमने माफ किया, जिसका सबूत यह है कि तुम्हारा भाई अभी तक जिंदा है। कौन हो तुम? हुक्म मानने वालों के लिए जिंदगी और नाम मानने वालों के लिए मौत। आप ठीक 10 मिनट के बाद फोन कीजिए, तब खुद जॉन अपना फैसला आपको सुना देगा। तुम्हारा रिलीज ऑर्डर पास हो गया है, तुम जा सकते हो। मुझे मालूम था इंस्पेक्टर कि तुम्हारे कानून में इतनी ताकत नहीं है जो जॉन द ग्रेट को उसकी मर्जी के खिलाफ रोक सके। तुम जा सकते हो, अगर तुम जा सकते हो तो। तूने मुझ पर हाथ उठाया? तूने जॉन द ग्रेट पर हाथ उठाया? देखो जॉन, वैसे तो मैं बहुत शांत स्वभाव का आदमी हूं, लेकिन तुम्हारे साथियों की धमकियां सुनकर मेरे अंदर का ज्वालामुखी फूट गया है। अब तो तुम्हें इसके लावे में जलना ही पड़ेगा। मौत का खेल खेल के तू जिंदगी जीतना चाहता है? तुम्हारे जिस बाप ने मेरे भाई और खानदान को जान से मारने की धमकी दी है, वो लोग फौलाद के बने हुए हैं। फौलाद के हरामजादे। कह दे अपने आका से कि अगर मेरे परिवार वालों के जिस्म पर खरोच भी आई तो मैं तुझे भीख में जिंदगी की जगह मौत भी नहीं दूंगा। बोल बोल बोल। मैं मुझे छुड़ाने का कोई और तरीका सोचो। इसके भाई या परिवार वालों को कुछ नहीं होना चाहिए, यही मेरा फैसला है। ए बेवकूफ, तूने संजय पे हमला क्यों किया? सुन, ऐसे इस कॉलेज के फंक्शन में एक नेता आ रहा है, उसे किडनैप कर लो, उसके बदले हम अपना जॉन द ग्रेट मांगेंगे। तुमने मुझे आज बेवकूफ कहा चीफ, लेकिन एक दिन ये बेवकूफ अपनी कुर्सी छोड़कर तुम्हारी कुर्सी पर बैठ जाएगा। बस एक बार मुझे तुम्हारा नाम और पता मिल जाए चीफ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सेक्रेटरी बोला हाँ। आज की बोरियत अपॉइंटमेंट कौन कौन सी है? आज के बोरियत अपॉइंटमेंटों में 9:30 बजे आपके चीफ मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। अरे बड़ा पका हुआ आदमी है। बोला हाँ। दूसरी अपॉइंटमेंट? दूसरी अपॉइंटमेंट विधवाओं के कॉटेज इंडस्ट्री का उद्घाटन 4:00 बजे। अरे ये तो बड़ा पुण्य का काम है, लेकिन सेक्रेटरी ये कुंवारी लड़कियां कॉटेज इंडस्ट्री क्यों नहीं खोलती? मैं भी तो कुंवारा हूँ। बोलो हाँ। हाँ। अब मुझे बताओ क्या आज की तीसरी अपॉइंटमेंट कौन सी है? आपकी तीसरी अपॉइंटमेंट SS क्वाइट कॉलेज में डांस और म्यूजिक कॉम्पिटिशन की है। हाँ बोला उन लोगों को। हाँ बोला ही नहीं सर उनको अभी तक। गुलशन गुल्लू गधे, जहाँ हाँ बोलना चाहिए वह ना बोलता है, जहाँ ना बोलना चाहिए वह हाँ बोलता है। बोलो हाँ। हाँ बोलूंगा ना सर। सुनो, उस प्रोग्राम के वक्त मेरे सर पर ये बॉडीगार्ड नहीं चाहिए।
सबसे प्यारा धन है प्यार को तुम ना खोना, सारे रिश्ते तांबा पीतल प्यार है सच्चा सोना। प्यार ही सबसे प्यारा धन है प्यार को तुम ना खोना, सारे रिश्ते तांबा पीतल प्यार है सच्चा सोना। महके दिल की बगिया तुम भी प्यार के मोती बोना, जान भी जाए प्यार में लेकिन यार जुदा ना होना। जीवन साथी जिसको भी मिल जाए, उसके दिल के वीराने में गुलशन सा खिल जाए। तेरे जैसा जीवन साथी जिसको भी मिल जाए, उसके दिल के वीराने में गुलशन सा खिल जाए। आतंकवादी कहां से आ गए? आइए सर प्लीज। अरे चलो देखो जल्दी। इस रूम में ताला है, तुम लोग ऐसा करो जाके सब रूम चेक करो। सर मेरे पास छह गोलियों वाला मामूली सा रिवॉल्वर है, और उन आतंकवादियों के पास मशीन गन्स हैं, स्टेन गन्स हैं, मुकाबला हो नहीं सकता। सर प्लीज आप मेरे कपड़े पहन लीजिए, आपको बचाने का सिर्फ यही रास्ता है। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे लिए जान दे सकते हो तो मैं भी देश के लिए जान दे सकता हूँ। खोलो दरवाजा, मिटा लेने दो उन्हें अपनी भड़ास। बॉस सब रूम में ताला है, सिर्फ यही खुला है। वो लोग इसी रूम में होंगे, तोड़ दो दरवाजा। रुक जाओ, अगर हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। चुपचाप अपने हाथ उठाओ और पीछे चले आओ। चलो राणा के कानून में किसी भी गलती की सजा सिर्फ मौत है। इस मूर्ख ने तुम्हारा चेहरा देखे बिना तुम पर कंबल डाल दिया था।
इसलिए मैंने इसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। अब तेरी जान मेरी मुट्ठी में है, तूने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। शतरंज की चाल में वजीर की जगह प्यादा हाथ लग गए। तुम मिनिस्टर की जगह किडनैप होकर क्या साबित करना चाहते हो? बस यही ना कि तुम एक बहुत बड़े देशभक्त हो? बेशक। वो देखो, तुम जैसा एक और देशभक्त बरसों से मेरी कैद में है। जय हिंद, जय हिंद। और तेरा मजबूर भारत उसे छुड़ा न सका। हाय रे तेरा भारत। नफरत मेरी खुराक है और बदला मेरा मजहब। तेरे थूकने से पहले तेरे खिलाफ मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरा जिस्म मेरी आत्मा दोनों भूखे थे। तेरे थूकने इन्हें खुराक दी है। बहुत गर्व है ना तुझे इस मुल्क पर, बहुत परवाह है ना तुझे इस मुल्क की। अब देखना है कि इस मुल्क को तेरी कितनी परवाह है। जो कुछ हुआ उसका शायद आप लोगों से भी ज्यादा दुख मुझे है। क्या है? हेलो सर, लगता है उन्हीं आतंकवादियों का फोन है। अच्छा, मुझे फोन दे दो। लेकिन सर। गुलशन, मैं बात करूंगा उनसे। लाओ, ये उन्हीं चांडालों का फोन है। हेलो। हम तो सोना चुराने गए थे लेकिन हाथ पीतल लग गया। अगर 72 घंटे के अंदर तुमने जॉन द ग्रेट को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा ये ईमानदार इंस्पेक्टर मार दिया जाएगा। अगर मैंने जॉन को नहीं छोड़ा तो तुम 72 घंटे में प्रताप को खत्म कर दोगे? धमकियां दे रहे हो हमें? अरे धमकियां देना तो आतंकवादियों की आदत है और वीरों को पैदा करना हिंदुस्तान की आदत है। ये देश ऐसे हजारों प्रताप कुर्बान कर सकता है। तो क्या हुआ? मुल्क तो मेरा है ना। लेकिन आतंकवादियों के सामने सर नहीं झुका सकता। सेक्रेटरी बोला हाँ। सेक्रेटरी बोला हाँ सर। हम हिमालय की तरह हर आंधी और तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे बलिदान और कुर्बानियों से तो भारत जिंदा होता है। प्रताप शहीद हो सकता है लेकिन मर नहीं सकता। माफ कीजिए लीडर साहब, प्रताप भैया की जिंदगी की कीमत ना हिंदुस्तान जानता है और ना ही आप। अगर कोई जानता है तो वो मैं या मेरा परिवार। तुम चाहते क्या हो? अगर मैंने प्रताप की रिहाई के बदले जॉन को छोड़ दिया तो आतंकवादियों को एक रास्ता मिल जाएगा रिहाई का। सर देखिए, आप जाने, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि प्रताप ने आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। अब प्रताप के परिवार के लोग आपसे अपना प्रताप चाहते हैं, जिंदा और सलामत। प्रताप ने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ पुलिस ऑफिसर की हैसियत से अपना फर्ज निभाया है। लेकिन जब वो अपनी मौत से नहीं डरा तो तुम लोग क्यों डरते हो? अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो तो हम उसकी वीरता का गोल्ड मेडल उसके परिवार वालों को देंगे। लीडर साहब, मुझे गोल्ड मेडल नहीं, मुझे अपना बेटा चाहिए। प्रताप भैया ने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हें उनकी जान बचानी होगी, वरना मैं तुम्हारी। नहीं गुल्लू नहीं, अभी ये जोश में है, होश में आ जाएगा तो समझ जाएगा कि हमारी भी मजबूरियां हैं। आप लोग जा सकते हैं। चलो संजय। क्या हुआ? क्या कहा नेताजी ने? क्या बोलेगा वो बर्दूद, कुर्सी को चिपक के रहने वाला शैतान? अब तो प्रताप की अर्थी निकलेगी और तुम्हें गोल्ड मेडल मिलेगा। हाय राम, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने बेटे के लिए ऐसे लफ्ज निकालते हुए। हे राम, तुम्हें समझो, तुम्हें सुनो, तुम्हें जवाब दो। वो क्या जवाब देगा? अब तो बस यही हो सकता है, एक बाप अपना कलेजा पकड़ ले, माँ अपनी छाती पे पत्थर रख ले, उसकी बीवी अपनी चूड़ियां तोड़े, उसका बेटा बिलक बिलक कर रोए, छोटा भाई बेसहारा हो जाए
वाह रे तेरा गोल्ड मेडल सरकार, वाह वाह। आज तुम सबको मानना होगा कि देश प्रेम के बजाय मैंने जो पेट प्रेम का रास्ता प्रताप को समझाया था वही सच्चा था। मेरा बेटा गौरवशाली था, गौरवशाली है, गलत तुम हो। अंकल मेरे पापा कब आएंगे? तेरे पिता ने मेरी जान बचाई है बेटे। मैं यही कहने आया हूँ कि अब मैं भी तुम्हारे परिवार में शामिल हूँ। अब आप इसके पिता की बलि देकर एहसान चुकाना चाहते हैं? माँ जी, इन लोगों को मैंने अपने चैम्बर में जो कुछ भी कहा वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन यहाँ पर मैं अपने इंसानियत का फर्ज अदा करने आया हूँ। उन आतंकवादियों को प्रताप के बदले मैं अपने आप को पेश करूंगा, क्योंकि इस दुनिया की मंडी में हर जान की कीमत अलग अलग होती है। एक पुलिस ऑफिसर की जान की कीमत सरकार के सामने बहादुरी का मेडल हो सकती है, लेकिन लीडर की कीमत अनमोल होती है, अनमोल होती है। इसलिए संजय तुम मुझे किडनैप करो क्या, और मेरी जान के बदले में अपने भाई प्रताप की जान मांगो। लेकिन ये तो अपराध होगा। अपराध तो तब तक होगा संजय, जब तक मैं ये इकरार न कर दूं कि ये काम मैंने करवाया है। आज तक मैं राजनीति की जंग जीतता आया, अब मैं इंसानियत की जंग जीतना चाहता हूं। रुको रुको, परमिशन दिखाओ। ये लीजिए साहब जी परमिशन। चलो जाने दो। फोन पर बात करना चाहते हैं सर। अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहां चले गए। सिक्योरिटी। यस सर। अरे खान, जानते हो पहले भी उनको किडनैप करने की कोशिश की जा चुकी है, सिक्योरिटी अलर्ट करो। अरे ये पानी क्यों बह रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ए, तुम उधर जाओ और तुम उधर जाओ और सबको अलर्ट करो और गेट को बंद करो। बिल्लू बैठे ने किडनैपिंग का सत्यानाश कर दिया। अरे वो तो कभी भी इस पाइप को खुला नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको तो पानी वेस्ट करने से साफ नफरत है। भूल गया सर, क्या कर रहे हो? तुमने तो कयामत खड़ी कर दी है, तूफान मचा रखा है। मैं उन झाड़ियों के पीछे ये कर रहा था। अबे काट के उल्लू, जिस दिन मुझे किडनैप करने की कोशिश की गई उस वक्त आपने कुछ नहीं किया, और आज कुछ नहीं हुआ तो धमाल मचा दी। जाओ अपना अपना काम करो। गुलशन गुल्लू गधा कहीं का। सर मेरी बात तो सुनो। क्या है? सीएम साहब आपसे फोन पे बात करना चाहते हैं। हाँ? सीएम साहब। हाँ सर। पकड़ मेरा पाइप। हाँ। हेलो, फोन कट गया। कट गया? दोबारा फोन आया तो कहना मैं खुद उनसे कॉन्टेक्ट करूंगा। ठीक है सर। जाओ इधर ला मेरा पाइप, पकड़ू कहीं का। जा रहा हूँ सर। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। चलिए जल्दी बैठिए। चल जल्दी।
शॉर्ट हो जा। ऐसा क्या कर रहा है? स्टार्ट करना, चल जल्दी। अरे स्टार्टिंग नहीं हो रही सर, मैं क्या करूं? क्या तेरी गाड़ी है, खटारा है। तुम्हारा काम हो गया ना, चलो जाओ। सर सर सर, गाड़ी नहीं चल रही सर। ओहो, तो मैं क्या करूं? आप अपने आदमी से कहकर जरा गाड़ी को धक्का लगा सकते हैं? ओहो, एक काम करो, अपने क्लीनर को बोलो धक्का लगाने के लिए। सर धक्का मारिए जरा प्लीज। मैं धक्का मारूं? लीडर पागल हो गया क्या? ए सुनो, जाओ धक्का लगाओ। मारना ही पड़ेगा सर। मारता हूँ मारता हूँ। चलो चलो, जोर से धक्का लगा, जोर से। एक हाथ से धक्का लगाता है, दो हाथ से धक्का लगा। चलो जल्दी लगाओ, चलो चलो जल्दी करो। अरे मुझे लेके जा। अरे भूल उसको रोकने के लिए। भैया नेता जी रह गए। किधर गया? यहाँ भी नहीं है। अरे तुम जी यही छोड़ के जा रहा था। अरे सर, अरे चल जाइए, चल जाइए। सर सर सर, वेरी वेरी सॉरी। चल 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 जल्दी अभी। चल चल। सर आपके कपड़े पीछे रखे, बदल लीजिए। बदलता हूँ। आ गए। ऐ क्या हुआ? क्या ये भी हमारे साथ चलेगी? अरे नहीं नहीं सर, आप समझते नहीं है, इनका रोल इस ड्रामे में बहुत ही छोटा है। हाँ? छोटा? हाँ, हमें ये गाड़ी दे जाएंगे। हाँ? हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे। हाँ? और इनको रुखसत कर देंगे। अरे वाह, ये कैसी दोस्ती की मतलब निकल गया, तो पहचानते नहीं। मैं एक एक कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी, और अगर तुम मुझे नहीं लेके चलोगे तो मैं पुलिस से जाकर ये कह दूंगी कि ये जो नेताजी की किडनैपिंग है ना, तुम दोनों की मिली भगत है। अब बोलो, लेके चलोगी कि नहीं? रोको, लाइसेंस, जाने दो इनको। बाप रे बाप, यहाँ तो चेकिंग चल रही है, अब क्या करें? अब क्या करें क्या? तुमने मुझे किडनैप किया है, मेरे सर पे पिस्तौल लगा दो। पिस्तौल? मेरे पास तो पिस्तौल है नहीं। अरे कैसे किडनैपर हो? क्यों? हे भगवान, हमारा प्लान कामयाब होने से पहले ही फेल हो रहा है, तुम तो बिल्कुल अनाड़ी निकले। ये लो पिस्तौल, रख दो मेरे सर पे। आपके सर पे? हाँ। अगर चल गई तो? पिस्तौल खाली है। तो ठीक है। तुम्हारे चेहरे पर से तो पसीने की नदी बह रही है सर। हाँ, ये मेरा पहला अपहरण है। हाँ, यानी किडनैपिंग का चांस। अच्छा, अगली बार ऐसा नहीं होगा सर। ओके, आई प्रॉमिस यू। तुम उसको देखो, मैं इसको चेक करता हूँ। लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस। जी। तुम्हारे साथ कौन कौन है? जी जी जी, मैं हूँ, मेरी वो है, रमजान है, और पेपर नीचे करो, पेपर नीचे करो। सर अब कैसे आता? इसने तो मेरे सर पे पिस्तौल लगा रखी है। हाँ, मेरे हाथ में पिस्तौल है, अगर तुमने बैरियर नहीं हटाया तो मैं मिनिस्टर को गोली मार दूंगा। जी जी, जल्दी से बैरियर हटाओ, बड़ा खतरनाक मुजरिम है, नहीं तो गोली मार देगा मुझे। जल्दी से बैरियर हटाओ इंस्पेक्टर, मैं कहता हूँ जल्दी से बैरियर हटाओ। बैरियर हटाओ, जाने दो इन लोगों को। चलो उनका पीछा करो। हे भगवान, हे भगवान, चलो जल्दी। अरे बाहर आओ इंस्पेक्टर प्रताप, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। लीडर के जिस अपहरण में तुम्हारी वजह से हम नाकामयाब रहे थे, तुम्हारा भाई संजय उसी लीडर का अपहरण करके हमारे पास ला रहा है। नहीं, अब तुम देखोगे कि मेरे मुंह पर थूकने का अंजाम क्या होता है। ये तूने क्या किया संजय? जय हिंद। ये तूने क्या किया संजय? ऐसा क्यों किया संजय? अपने आप को अपराधी बना लिया संजय। ऐसा क्यों? क्यों क्यों किया? क्यों क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया?
पानी, ये पानी कहाँ जा रहा है? लगता है यहां से कोई रास्ता है। किले की कोई खुफिया सुरंग है। जय हिंद, जय हिंद। सर जीप तो हमने छोड़ दी, और कितनी दूर पैदल चलना पड़ेगा? मैं क्या जानू। अरे हम उन तक नहीं, वो आतंकवादी हम तक पहुंच जाएंगे। अरे ये साक्षी कहाँ गई? अरे तू ही तो थी। साक्षी, साक्षी, मैं यहाँ हूँ, मुझे भी लगती है। ओ हाँ, नहीं करो करो। लीडर को मरता है? नहीं नहीं, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा था। सवाल का जवाब? चल। ए, ए, ये क्या खुजली के कुत्ते की तरह खुजला रहा है? खुजली के झाड़ है ना। ठीक ठीक, सीधा हो जा, सीधा हो जा, सीधा हो जा। मैं खुजला था। हाँ प्यार का खुमार है ये।
जय हिंद, जय हिंद, मुझे भी साथ लेकर चलना। ए जय हिंद। तुम अकेले नहीं हो रहीम खान, तुम्हारी याद मेरे साथ है। मैं लौट कर आऊंगा और तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगा, 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 मैं इंतजार करूंगा। जय हिंद। कब्र तुमने खोद ली, शहीद हम तुम्हें कर देंगे। रहीम खान तुम? ये वर्दी, ये जय हिंद, सब तुम्हें धोखा देने के लिए था। मैं करतार सिंह हूं, मैं राणा का आदमी हूं। तूने जय हिंद का मजाक तो बना लिया, अब जय हिंद की ताकत भी देख। क्यों करतार सिंह, तुम्हें ही मैंने प्रताप के पहरे पर तैनात कर रखा था ना। तुमने प्रताप को आजादी दी और अब मैं तुम्हें आजादी देता हूं। इस लाश को उठाकर खाई में फेंक दो। लीजिए लीजिए, चिकन तंदूरी लीजिए। अरे खाओ खाओ रमजान, खाओ। आप भी लीजिए चिकन तंदूरी। नहीं नहीं, मैं मांस मच्छी नहीं खाता। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आप लोगों को तो धर्म ईमान, दंगा फसाद और जातिवाद खाने की आदत होती है। यह चिकन तंदूरी और मटन कुर्मा से आपका पेट नहीं भर सकता। भाषण अच्छा कर लेता है, तुम्हें तो लीडर बनना चाहिए था। आपके जीते जी मैं कैसे लीडर बन सकता हूं राणे साहब? क्या मतलब? मेरा मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मेरा मकसद आप नहीं जानते। देखिए ये नक्शा, बटे टूटे और बिखरे हुए भारत का, इसे आप ही ने बनाया था और इसकी एक कॉपी मुझे भेजी थी। ये क्या बकवास है? बकवास तो मैं हमेशा से सुनता आया हूं टेलीफोन पर तुम्हारी, लेकिन आज मेरी बारी है। आज असल और सूद दोनों वसूल करूंगा। जॉन की फांसी कानून के हाथों और तुम्हारा खून मेरे हाथों, और इसके बाद मैं इस गैंग का बेताज बादशाह बनूंगा। पागल हो गए हो क्या? क्या सबूत है तुम्हारे पास इस इल्जाम का? जॉन का फोन जो उसने पुलिस लॉकअप से किया था, उसे डीएसपी चौगले ने टेप कर लिया था, और वो फोन नंबर आप ही के घर का था। उसने आपकी और जॉन की बातें रिकॉर्ड कर ली थी, सुनना चाहेंगे आप? चीफ, तुम्हारा असली चेहरा मैं पहचानता हूं और मैं गिरफ्तार हो चुका हूं। अब मुझे छुड़ाना तुम्हारा काम है, वरना मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें बेनकाब कर दूंगा। जॉन, तुम्हें छुड़ाना मेरी जिम्मेदारी है, मुझ पर भरोसा रखो, दोबारा मुझे फोन। सिर्फ जॉन ही तुम्हारा राज जानता था और उसने तुम्हारा राज फाश करने की धमकी दी थी, इसलिए मजबूरी में तुमने अपने ही अपहरण का प्लान बनाया। मैंने तभी से तुम पर नजर रखी। अगर प्रताप तुम्हारी जगह ना लेता तो मैं कब का चीफ बन गया होता। अब आपकी और हमारी मुलाकात परलोक में होगी। मैं तो नौकर डरा ना, जिसका खाता हूं उसी के गुण गाता हूं। खाने में नशा मिला था, लगता है इसे चढ़ गई है।
नहीं रमजान, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। अल्लाह, अगर मैं मर गया तो मैं शहीद, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं गाजी। मेरी तो जीत ही जीत है छोटे भैया। आज मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा, मैं भारत का सिपाही बन जाऊंगा। रमजान, अपनी जान बचाओ, अपनी सोचो। सोच ही तो रहा हूं भैया, आज मुझे सब साफ साफ नजर आ रहा है। भैया तुम भाग जाओ, यही यही मेरी मंजिल है। भैया मैं कहता हूं तुम भाग जाओ, भाग जाओ। मुझे मुझे नशा चढ़ रहा है। रमजान नहीं, रमजान, ये तुमने क्या किया रमजान? उस मुल्क के लिए जान दे दी जिसने तुम्हें एक मामूली सा नौकर बना के रखा। क्या दिया इस मुल्क ने तुम्हें रमजान, क्या दिया है? सब कुछ तो मिल गया है, हवा, पानी, बादल, और अब तो मुझे जमीन भी मिल रही है। मेरी मेरी अपनी जमीन, अपने ही मुल्क में। भैया भैया तुम एक वादा करो, तुम इस मुल्क टूटने नहीं दोगे। वादा करो मुझसे। मैं वादा करता हूं रमजान, मैं वादा करता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद दूर रसूल अल्लाह। किसी भी समय आता होगा और जब वो आएगा तो
तुम मेरे साथ आओ, जहां चलने कह रहा हूं। संजय का हाथ में पिस्तौल। भैया तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। संजय रमजान की मौत हो गई और हम यहां पर बंद हैं। उसकी मैयत पे भी नहीं जा सके। जो शहीद होते हैं वो मरते नहीं साक्षी। दफन तो सिर्फ रमजान का जिस्म हुआ है मगर उसकी आत्मा ज्वालामुखी बनकर मेरे अंदर जिंदा है। उसका देश प्रेम लावा बनकर मेरी रगों में दौड़ रहा है। और जब जब हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का मिलन होगा तो बस समझ लो जाग उठेगा हिंदुस्तान। क्या रमजान मियां नौकरी छोड़ के चले गए, पगार भी नहीं ली, लेकिन मैं तुम्हारा कर्जा रखने वालों में से नहीं। एक एक पैसा मैं चुका दूंगा, एक एक पैसा। बस तुम एक बार लौट आओ। ये वर्दी और ये वोट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके सच्चे हकदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। आइए आइए इंस्पेक्टर प्रताप सिंह जी आइए। जिन लोगों ने आपके हाथों में कानून की ताकत भरने के लिए दुआएं मांगी उनका एहसान आपने एक की मजार बनाकर और दूसरे के हाथ में हथकड़ियां डालकर चुका दिया। संजय खूनी नहीं हो सकता बेटे। वो घड़ी मेरी जिंदगी की मौत से बदतर घड़ी थी मां, जब मैंने संजय को गिरफ्तार किया। बाबा सारे सबूत संजय के खिलाफ थे। पुलिस वाले की औलाद होने के बावजूद भी तू ये नहीं जानता कि सबूत बनाए जाते हैं मिटाए जाते हैं। और ये बता, नेता के सीने में दो गोली डालने के बाद कातिल को उसकी सूरत बिगाड़ने की जरूरत क्या थी? और संजय कातिल होता तो भाग चुका होता। इसका फैसला कानून के हाथ में है। अगर संजय तुम्हारा बेटा होता तो तुम्हें मालूम होता। वाह मां वाह, कितनी आसानी से तुमने मुझे संजय से जुदा कर दिया। संजय से मेरे प्यार का सबूत तुम हो। वो रोता तुम्हारे पास था लेकिन चुप मेरे पास होता था। बाबा के रिटायर होने के बाद मैंने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया मां। मैं एक मामूली सा हवलदार प्रताप सिंह बन गया। संजय के लिए, इस परिवार के लिए, संजय से लाखों के पीछे नहीं बल्कि मैं कैद हूं। मेरी खुशियां मेरे अरमान कैद है मां। कोई निगोड़ी पुलिस, ए मेरे संजय को कहां बंद कर रखा है? तुम्हारा संजय? तुम हो कौन उसके? अरे मैं कुछ भी हूं, तुम्हें उससे क्या लेना देना। ये देखो परमिशन लेके आया हूं। देखो देखो, मैं कोई काम कच्चा नहीं करता, भले मैं खुद आधा कच्चा रह गया हूं। ठीक है ठीक है, थैंक यू। प्यारे प्यारे, हाय दैया, किस बेदर्दी से मारा है तुमको। देखो तुम्हारे लिए खाना लाया हूं अपने हाथों से बना के। मुझे भूख नहीं है। जो इल्जाम तुम पे हैं उनका मुकाबला तुम भूखे पेट नहीं कर सकते। तुम बेकसूर हो संजय, ये बात सिर्फ मैं नहीं पूरा कॉलेज जानता है। और तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उसके लिए भी लाया हूं। ले, तेरे लिए भी लाया हूं। हंसो,
हंसो। अरे तुम क्या, मेरे पे तो सारी दुनिया हंसती है, कभी कभी तो मैं भी अपने आप पे हंसता हूं। अरे जब मैं अपने आप को नहीं समझ पाया तो तुम लोग मुझे क्या समझोगे। लेकिन एक बात याद रखना, वक्त आने पे मैं अपने संजय के लिए जान भी दे सकता हूं। हाँ ड्राइवर कभी कभी दिमाग के स्क्रू को भी कसने के काम आता है। अब ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुमने मुझ पर हमला क्यों किया, बताओ। नाम, नाम तुम्हारा जॉन, जॉन द ग्रेट है। अच्छा अच्छा समझा, मिस्टर जॉन दी नॉट सो ग्रेट। अब मैं तुम्हें दिलचस्प कहानी सुनाता हूं जिसमें चार किरदार हैं। तुम राणा, मिनिस्टर और डीएसपी चौगले। राणा ने मिनिस्टर को मार दिया और अब वो डीएसपी चौगले के जरिए तुमको मारकर पूरे गैंग का बॉस बनना चाहता है। क्या कह रहे हैं? वो तुम्हें रिहा नहीं करेगा, तुम्हारा एनकाउंटर करेगा, समझे? समझ गया। समझ गया ना तुम लोगों को क्या करना है। जैसे वो मुझे हॉस्टेज लेकर आए तुम लोग उसे गोली मार देना। यस यस सर। तुम्हारे जेल से निकलने का वक्त आ गया है। मेरी जेब से रिवॉल्वर निकालकर मुझे हॉस्टेज बनाकर तुम यहां से निकल जाओ, समझे? उस्तादों से उस्तादी चौगले। हाँ गोलियां जेब में नहीं बंदूक में ज्यादा अच्छी लगती हैं। अब अपने आदमियों को बुलाओ और उनसे कहो बंदूक के फेंकते हैं, क्योंकि ये रिवॉल्वर अब खाली नहीं है, ये तुम्हारी जान भी ले सकता है। बुलाओ, यहाँ आओ सब लोग, यहाँ आओ। यस सर। अपनी हथियार नीचे डाल दो, नीचे डाल दो। सब लोग अंदर जाओ, जैसे वो कहते करो, जाओ अंदर। ओके सर, ओके चल। अब तुम ये बताओ राणा कहाँ है? राणा, राणा तो अपने फार्म हाउस पर जश्न मना रहा होगा। छोटी बात बड़ी, हे रात छोटी बात बड़ी, क्यों है मुझसे दूर खड़ी? रात छोटी बात बड़ी, क्यों है मुझसे दूर खड़ी? नैन मिला दे और समझा दे, नैन मिला दे और समझा दे, इंतहा की है ये घड़ी।
तूने चांद द ग्रेट के साथ गद्दारी की। बेईमानी का काम ईमानदारी के साथ करने की कसम तोड़ी। इसी उसूल के तोड़ने पर हमने रियाज अहमद को खत्म किया था। इस उसूल को तोड़ने की सजा तुमको भी मिलेगी मैन। तुम्हारा खेल हट। गुड बाय राणा। बड़े अनाड़ी दुश्मन निकले तुम जॉन द ग्रेट। वेटर के भेष में तुम मुझे ही चकमा देना चाहते थे। चकमा तो मैंने दिया। घोड़े की जो दो लाल आंखें चमक रही थी उनमें मैंने वीडियो कैमरा फिट किया था और मैं तुम्हारा हर कदम देख रहा था। डैन के कुत्तों, शैतान दी ग्रेट को देखो। आप जिंदा हैं? जी हाँ, क्योंकि गोलियों से सिर्फ इंसान मारा करते हैं, शैतान कभी नहीं मरता। ये रहा मेरा बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसे मैं सोते जागते 24 घंटे पहनता हूँ, जिस पर तुम सिर्फ गोलियों के दो निशान दाग सके। जॉन, तुम मेरी असलियत जानकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहते थे हा? और राणा, तुम मेरी जगह लेना चाहते थे, इसलिए तुम दोनों नमक हरामों को इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे अपना अपहरण खुद प्लान करना पड़ा। लो, मौत के यमराज से मिलो। जिंदा? देखो, भारत के वो दो खतरनाक दुश्मन मौत का मजा चख रहे हैं और भारत का ये लाल जिंदा है। जो मरा वो मैं नहीं बल्कि मेरा हमशकल था, यानी कि डुप्लीकेट। मैं जानता हूं तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरे लिए बहुत मुसीबतें उठाई हैं, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सम्मान और इनाम दोनों दूंगा। मगर झूठ बोल रहा है तू। आतंकवादियों का सफाया, हमारा मिनिस्टर जिंदा। आतंकवादियों का सफाया, हमारा मिनिस्टर जिंदा। भाइयों, इस परिवार की तारीफ किए बगैर आज के हिंदुस्तान की कहानी अधूरी रह जाएगी। संजय और प्रताप ने मेरे खातिर, अपने देश के खातिर आतंकवादियों का सफाया किया। सेक्रेटरी बोलो। हाँ, सेक्रेटरी बोला। हाँ सर। अंडरवर्ल्ड के बादशाह को चूहा बनाकर रख दिया। इन लोगों ने जो वीरता दिखाई है, जिस पर आप सबको गर्व होना चाहिए, खासकर मैं संजय का जिक्र करूंगा और कहूंगा कि आप लोग मुझे संजय जैसे 100 नौजवान दीजिए, मैं आपको एक नया ताकतवर भारत दूंगा। अभी मैं ऐलान करता हूं कि इंस्पेक्टर प्रताप डीएसपी की जगह लेगा और मैं अपनी तरफ से इस परिवार को 10 लाख का चेक, रहने के लिए एक शानदार बंगला और खेती करने के लिए 100 एकड़ जमीन संजय की सेवा में पेश करता हूं। आओ आओ संजय, आओ। जाओ संजय, जाओ। वेलकम संजय, तुम इस भारत का शानदार भविष्य हो। तुम्हारे चेहरे पर मैं इस मुल्क की शांति, खुशहाली, तरक्की और ताकत देख रहा हूँ। और मैं तुम्हारे बुलेट प्रूफ वेस्ट पर वो दो गोलियों के निशान देख रहा हूँ जो राणा ने तुम पर चलाई थी। तुम ही आतंकवादियों के लीडर हो, देशद्रोही हो। तुम्हें गलतफहमी हो गई है संजय। ये रहा 10 लाख का चेक।
मुझे गलत फहमी है, ये तुम्हारी गलत फहमी है, और तुम्हारी गलत फहमी मैं अभी दूर कर देता हूं। तुमने इस चेक को फाड़कर अपने भविष्य के इतने टुकड़े कर दिए हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल तो तुम अपने भविष्य के टुकड़ों के बारे में सोचो। जब इस आम जनता को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो ये जनता, जनता की बात छोड़ो, उन्हें भेड़ों की तरह हाँकना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। तुम्हारे अपने घर वाले भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अजी सुनते हो, हमारे कमरे में एसी फिट है और कलर टीवी भी है, अब तो मैं आराम से बैठकर महाभारत देख सकती हूँ। हमारे तो दिन ही बदल गए। मैं डीएसपी बन गया। बाबा, हमारे कमरे के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा मुन्ना का भी कमरा है, सजा सजाया, उसमें खिलौने भी हैं। मुन्ना जाकर अपना कमरा देखो ना। अरे मेरा मोटू। जा बेटा। अरे तू क्यों मुंह लटकाए खड़ा है? आज से तेरा भी किचन में सोना बंद। तेरे लिए भी अलग कमरा है, सबके लिए सब कुछ है। लेकिन मुझे इस घर में नहीं रहना है। क्या क्या कहा? मुझे यहाँ नहीं रहना है। और मेरे ख्याल से हम में से किसी को भी यहाँ रहना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लीडर इसकी बहुत बड़ी कीमत चाहता है। अरे मूर्ख, ये हमको सब फ्री में मिला है, मुफ्त में, सब फोकट में है। इसकी कीमत जानना चाहते हो बाबा? इसकी कीमत है मेरी खामोशी, इसकी कीमत है रमजान सिपाही का खून। ये वही लीडर है जो आतंकवादियों का चीफ है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? उन जैसे महान नेता के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? हाँ, सबूत है उसके बुलेट प्रूफ वेस्ट पर वो दो गोलियों के निशान जो राणा ने मेरी आंखों के सामने उसके सीने पर चलाई थी। तुम झूठ बोल रहे हो। सच तो यह है कि आप सच को मानना नहीं चाहते। आपका सच तो ये बंगला है, वो बाहर खड़ी गाड़ी है, वो 100 एकड़ जमीन है जो आपको दी गई है। हाँ, यही सच है, और यही सच हमें उस छोटे से मकान से निकालकर इस आलीशान बंगले में ले आया है। और इसी सच ने प्रताप की नौकरी को परवाज दी है और मुन्ने को अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन दी है। इसलिए मैं सिर्फ इसी सच को मानता हूं। मैं इसे आउटराइट रिजेक्ट करता हूं, झुठलाता हूं। वन मैन विद करेज मेक्स एन आर्मी। ये अंग्रेजी मत जान, आई कैन इंग्लिश एंड स्पीक। आप ना तो इंग्लिश जानते हैं ना ही हिंदी, आप तो सिर्फ पैसों और रिश्वत की भाषा जानते हैं। और तुम खुद गर्जी की, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे छोटे से शक पर ये पूरे परिवार की खुशियां मिटा दे। हमारा परिवार इस मोहल्ले का एक छोटा सा हिस्सा है, जो इस शहर का छोटा सा हिस्सा है, जो इस मुल्क का छोटा सा हिस्सा है। ये देशभक्ति का भाषण मुझे मत दे। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, पहले घर का तो बन के दिखा, बाद में देश की बात कर। बेटा, मैंने सैकड़ों देशभक्तों को मामूली से पेंशन के लिए घंटों भर कतारों में खड़ा देखा है। कभी कड़कती धूप में जलते हुए देखा है, तो कभी बर्फीली हवाओं में सिसकते हुए देखा है। जब भूख और प्यास की आंधी चलती है ना बेटे, तो भारत देश काम नहीं आता, इस घर की छत और दीवारें काम आती है। बड़ा साहूकार बनने चला है, वेटर की टिप तक खा गया था। हाँ हाँ, मैं गुनहगार हूँ। कल मैंने 5 रुपए की टिप चुराई थी, लेकिन आज मैंने 10 लाख रुपए का चेक फाड़ दिया, क्या मैं आज भी गुनहगार हूँ? कल की बात कुछ और थी, लेकिन आज, आज की बात कुछ और है। आज सवाल है हमारे मुल्क का, हमारी एकता का, हमारी एग्जिस्टेंस का। मैंने अपने कानों से वो मंसूबे सुने जिनमें अपने देश को तोड़ने और बर्बाद करने की साजिश की जा रही है, और आज मैं अपने स्वार्थ से निकलकर अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने देश को देखना चाहता हूं। आप लोगों को ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो दीवाना हो गया क्या प्रताप? समझाई सर, समझाई, सुन लो के पट्टे को। मैं एक बात बोलूं, हम सब वोटिंग करते हैं।
माँ जी, माँ जी ये सब क्या हो गया? माँ जी, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये हमला उन्हीं लोगों ने किया था जिनकी बंदूकें तुमने पकड़वाई थी। नहीं, ये लीडर के आदमी थे। ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है। फितूर नहीं, हकीकत है। मैं कह रहा हूं हकीकत है। भगवान के लिए खामोश हो जाइए, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं, खामोश हो जाइए। ये वक्त बहस करने का नहीं है, ये वक्त आराम से सोच और विचार का है। सवाल यह नहीं है कि हमला किसने करवाया है, सवाल यह है कि हमला हुआ है और हम लोगों को इस हमले से बचने के लिए अपने लिए कुछ करना है। कैसे और किसके खिलाफ? ये वक्त बचाव का नहीं, आक्रमण का है। आक्रमण, और वो भी लीडर के खिलाफ। क्या बकरा है? The best way of defense is offense. Yes. डीएसपी प्रताप, हमें आप सब के प्रोटेक्शन के लिए लीडर ने यहाँ तैनात किया है। हम सब आपके घर के बाहर पहरा देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। अब देखा ना बेटे, कौन सच्चा और कौन झूठा है। मारने वाला मारता है, बचाने नहीं आता। बात ये नहीं, बात ये है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, और बचाने वाला आपका लीडर नहीं, भगवान है, भगवान। अरे जाओ, जाकर देखो सब खिड़की दरवाजे बंद है कि नहीं। जाओ जाओ, डरो मत बेटे, डरो मत। अरे मैं हूं ना। ये सब क्या हो गया? डरो मत। मैं खुद जाकर देखता हूं। हैं भाभी जी, डरो मत। हैं मैं ये पॉइजनस गैस है, कुछ ही क्षणों में तुम लोगों का काम तमाम हो जाएगा। संजय, अगर तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी ना करते तो अपने आंखों के सामने अपने परिवार का ये अफसोसनाक अंजाम ना देखते। देशद्रोही संजय ठीक कहता था। रुक जा, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो मेरी पहली गोली इस लड़के के सीने के पार होगी। ओह, क्या हालत हो गई इस परिवार की। अरे अरे, मर रहे सब सारे। आइए सर, आइए। ये सब कैसे हुआ? है? तुम क्या कर रहे थे जब आतंकवादी इस परिवार की हत्या कर रहे थे? I suspend you.
और मैं ये भी देखूंगा कि तुम्हारे जैसा जलील आदमी पुलिस में ना रहे। ये वो परिवार है जिसको मैंने लाखों रुपए इनाम दिए, घर दिया, लेकिन अफसोस भारत का ये गौरव आज यहां लाश बनकर पड़ा है। अब कौन है इस शहर में जो आतंकवादियों को ललकार सके, संजय और प्रताप की तरह उन्हें मौत की नींद सुला सके। महाभारत के संजय की तरह आज मैं दुर्योधन की गद्दारी का आंखों देखा हाल बताऊंगा। इसने अपनी मां के साथ अत्याचार करने की कोशिश की है। वही मां जिसने हर साल अनगिनत बार अपना सीना चीरकर इसका पेट भरा है। हां, वही भारत मां। और जब मैंने इस अत्याचारी को पहचान लिया और इसने मेरा मुंह बंद करने के लिए मेरे बड़े भाई को डीएसपी बना दिया, हमें खेत कार बंगला सब भेंट में दिए, लेकिन जब मैंने इन सब से इनकार किया तो इसने पॉइजन गैस छोड़कर मेरे पूरे परिवार को मारने की कोशिश की, और इस संकट में हमारा योगाभ्यास काम आया। हमने अपनी सांसों को रोककर मरने का ड्रामा किया। तारीख में अगर मीर जाफर और जयचंद से पहले किसी का नाम आएगा तो वो होगा तुम्हारा। गद्दार और मैं? नामुमकिन। लोगों, आपका ये नेता अपनी जिंदगी से गद्दारी कर सकता है लेकिन अपने वतन से नहीं। ए खान, गिरफ्तार कर। बंद कर अपनी बकवास गद्दार। आज तेरे भाषण पे राशन लगा दिया गया है, आज रद्दी रद्दी के भाव बिकेगी और सोना सोने के भाव। आज शहर के हर बाशिंदे को तेरी असलियत का पता चल चुका है। सही कह रहे हो इंस्पेक्टर खान, मैं सीबीआई ऑफिसर जीसी अधिकारी हूं और मुझे सरकार ने इस लीडर के कर्मों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया था, क्योंकि सरकार को पहले से शक था कि लीडर के कारनामे कुछ ठीक नहीं, और ये मेरे आदमी है लीडर। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। लाओ ट्रक लाओ।
मुझे बचपन से ही मौत का तमाशा देखने का बड़ा शौक है। संजय कहाँ है? मैं दूसरी तरफ हूँ बाबा। बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुमने जो कुछ किया बहुत सही है, मैं गलत था, तुम सही थे बेटे। डालो मिट्टी डालो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुमने मुझे जीवन का हर सुख दिया है। सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? मैंने तुम्हें जिंदगी में सिर्फ एक ही बार धोखा दिया है, जब तुम 2 महीने के लिए अपने मायके गई थी। मैं पहले से ही जानती थी उस साहूकार की बेटी से तुम्हारा जरूर कुछ चक्कर था। अगर मिल जाए तो मैं मार दूंगी। वो साहूकार की बेटी नहीं थी, वो मुखिया की बेटी थी। हे भगवान, मरते समय तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कि तुम मुझे क्षमा कर दो। वैसे बच्चों की सौगंध प्यार सिर्फ मैंने तुमसे किया, सिर्फ तुमसे किया। दफना दो सबको यहीं पर। अगर मैं इस गटर से बाहर निकल जाऊं तो ये हमारे बचने का रास्ता बन जाएगा। अरे अरे, कबर बनेगी सबकी अबर। गुजर रहा हूं, अपने संजय को भी देख लो। हाय, मेरे संजय को मार रहे हैं। अरे रुक जा कलमू है। ये आपने क्या किया? ये आपने क्या किया सर? सर, मेरे लिए अपनी जान पर खेल गए। कुछ भी तो नहीं किया प्यारे, बस अपनी लाइफ बना ली। कहाँ जा रहे हो लीडर? देखो संजय,
मेरी बात घर से सुनो, मुझे जाने दो। क्या मिलेगा तुम्हें मुझे मारकर? नकली गोल्ड मेडल, अखबारों में नाम। अरे मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा कि जिंदगी भर गिनते रहोगे ना तो भी खत्म नहीं होगा। नहीं, मैं मानता हूं कि मैंने पैसों से बुराइयां की है, लेकिन तुम अच्छाइयां करना। अच्छाइयां भी पैसों के बगैर नहीं होती। अनाथ आश्रम, स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, इन सबके लिए पैसा चाहिए। पैसा आग की तरह होता है, आग की तरह। एक तरफ वो चूल्हे को जलाकर घर के लोगों को खाना खिलाता है, तो दूसरी तरफ घर को जलाकर राख कर देता है। भाषण अच्छा दे लेते हो, ताली बजाऊं? अरे ये क्या किया तुमने, मुझे तैरना नहीं आता। अगर तुम इस बोट में बैठकर इस झील को पार कर लोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। चलो चलो। दोस्तों, अब एक बात पर वोटिंग हो जाए, हमें क्या सोचना है, क्या करना है, ये कि मुल्क हमारे लिए क्या कर सकता है या हम मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। हम मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? 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 On the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.